ले मेरे बच्चे को, खाओ ना, खाओ शाबाश। लो भाई, मैं सोच रहा हूँ घर शिफ्ट कर ले। एक मकान देखा है मैंने, तो बस ये पहली के बाद ना यहाँ से निमेट के चलते हैं उधर ही। मकान बदल लेने से क्या होगा? हाँ, घर शिफ्ट करने से क्या होगा? बात घर शिफ्ट करने की नहीं है, इलाका बदलने की है। इस मोहल्ले में इज्जत नहीं रही मेरी वो पहले जैसी। गुजर रहा हूं तो कहते हैं वो ये जा रहा है वो बेगैरत जिसकी साली लड़के के साथ भाग। अब कल कल आपको इन बच्चों को कहेंगे वो इसकी खाला भाग गई लड़के के साथ, अच्छा लगे? बताओ। क्या जरूरत थी उसके सामने इस तरह की बात करने की? तो आ गई, मैं तो तुमसे बात कर रहा था। अरे अम्मा, हाँ, सर सुल्तान ने तो शादी कर ली भाई अपनी चाचा की बेटी से। बड़े अमीर कबीर लोग हैं, बड़ी धूमधाम से शादी हुई, तस्वीर छपी आज के अखबार में। दुल्हन भी खुश और सर सुल्तान भी बड़े खुश नजर आ रहे थे। मैं कहती हूँ भाई, शादी हमेशा अपने जोड़ के लोगों में करनी चाहिए। खामखा इतने अमीर लोगों के साथ रिश्ते जोड़ने के ख्वाब देखते रहते, अपने औकात में रहना चाहिए। हाँ, और हाँ, ये नए इलाके में शिफ्ट होते ही ना नगीन के जोड़ का रिश्ता देख के रुख्सत करो इसे। वो तो नाराज होकर चली गई, तुम ही ले आओ कोई अंडा, को फ्राई करके ले आओ एक। मेरे लिए भी लाना, मुझे भी अंडा नहीं दिया, खुद ही खा रहे हैं अंडे। सच्ची बात नहीं सुनता मां, लेकिन राशिद और कीर, कुछ तो बोलो, क्या हो गया तुम्हें? ऐसे तो घुट घुट के मर जाओगे तुम। रोना है ना तो मेरे गले लग के खुल के एक दफा। देखो, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी नहीं होती। वो शख्स तुम्हारे लायक ही नहीं था, वो इतना घटिया शख्स मेरी इतनी अच्छी बहन के लायक नहीं था। मत करो ऐसा, खुद पर ज्यादा नहीं करो। सुबह सुबह इतनी तैयारी, कहीं जा रही हो या कोई आ रहा है? बड़े ही अनरोमैटिक इंसान हो, मुझे लगा कि मुझे सुबह सुबह तैयार देखे तो मेरी तारीफ करोगे। तो चलो अब कर देता हूँ। अच्छी लग रही हो। बस अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। अब खुश? तो मैं ब्रेकफास्ट यहीं मंगवा लूं? नाश्ता यहाँ क्यों मंगवा लूं? क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई है सुल्तान, मैं चाहती हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम इकट्ठे स्पेंड करें। तुम क्या बॉलीवुड की फिल्म ज्यादा देखती हो? नाश्ता यहाँ मंगवाने का तुक समझ में नहीं आया मुझे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, नीचे बीजान इंतजार कर रही होंगी, नाश्ता साथ ही करेंगे उनके। अच्छा हाँ, तुम अपने घर चली जाना ड्राइवर के साथ। मैं अकेले जाऊंगी? हाँ, पहले भी तो जाती थी, क्या हो गया? पहले की बात तो और थी ना, वी मैरिड नाउ, आपको मेरे साथ चलना होगा नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत रोशन घर है।
मोहल्ला भी खासा साफ सुथरा है तो बहुत साफ सुथरा, लेकिन इसका किराया कहाँ से आएगा? अरे आ जाएगा, आ ही जाता है, फिक्र क्यों करती हो। और हाँ, मैंने ना यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल देखा है बच्चों का, जबरदस्त, बस कल ही वहाँ दाखिल करा दूंगा उन्हें। अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी बहुत महंगे होते हैं ना, इतने अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे? अरे भाई, जब सर पे पड़ती है तो हो ही जाता है, तुम क्यों फिक्र करती हो। राशिद, आपकी कोई नौकरी भी नहीं है, लॉटरी लगी है क्या? तुम हो ना मेरी लॉटरी। अरे आम खाओ, गुटलियां गिनने का क्या फायदा, माल आएगा और खूब आएगा और छप्पड़ फाड़ कर आएगा इंशाल्लाह। तुम ऐसा करो, तुम सेटिंग वेटिंग कर लो, तो मैं टिक्के ले आऊं कुछ बाहर से खाने को। अरे ले आ मसाला जरा। आप फिक्र ही ना करो, बस मैं आया। फिक्र नहीं करना तुमने, फिक्र क्यों करती हो दोस्त कुमारी। अच्छा घर है, बड़ा रोशन सा। सरप्राइज का पता चल जाए तो वो सरप्राइज क्या हुआ, बस आपने आंखें नहीं खोली, जब मैं कहूंगा तब खोली। ए अब देखिए अम्मा, कैसा है टीवी, कैसे हैं सोफे। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आई टीवी भी लाया है, है? अल्लाह, इतना सारा सामान ले आया, तो वो मेरे कमरे के लिए बेड भी ले आता। अरे सद के जाओ अम्मा, सब कुछ आएगा, सब कुछ बना देंगे, बस एक बार कारोबार सेट हो जाए ना, मैं आपको सोने की चूड़ियां कंगन के साथ बना के दूंगा। कसम खा, मैं तेरे सदके जाऊं मेरा प्यारा, मैं तेरे कुर्बान जाऊं। अल्लाह मियां तुझे इतनी दौलत दे, इतनी दौलत दे कि तुझसे संभाले ना संभले, रख रख के भूले। अरे जान, तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो लो, तुम्हें तो इतना शौक था, ये देखो फर्नीचर, देखो सेटअप सारा, टीवी। जरा पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? क्या मतलब कहां से आए पैसे, क्या मसला है भाई तेरा? तुम्हें तो इतना शौक था नई चीजों का, अब जब आ गई है तो उल्टा खुश होने की वजह ताने दे रही हो। अगर हलाल के पैसों से लिया होता ना तो खुश भी होती। ए दिमाग खराब हो गया है तेरा? ए अम्मा, जिस घर में हम शिफ्ट हुए हैं ना, ये किराए का नहीं है, पूरे 50 लाख लिए इन्होंने सुल्तान दुरानी से, मेरी बहन के आंसू की कीमत वसूल की है। इतना शुक्रिया, और जो कुछ भी किया है सबके मुस्तकबिल के लिए किया है। तुम्हारी जगह कोई और औरत होती ना तो इस वक्त मेरी बलाएं ले रही होती, खुदा का शुक्र अदा कर रही होती, लेकिन नहीं। चंद लाख रुपयों की खातिर आप इतना गिर सकते हैं, मैंने सोचा नहीं। अरे अपने पैरों पे तो खड़ा हूं। जान, जो कुछ किया है ना हमारी फैमिली के लिए किया। अब तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि मेरे बच्चे अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छे स्कूल में पढ़े, तो ये सब कुछ पुराने मोहल्ले में तो नहीं हो सकता था ना? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे वो बेगैरत हमारी बेटी को अगवा करके ले गया, पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करा दी, बहुत अच्छा किया उससे पैसे लेके। बात सुनो, तुम्हारी बहन अगर शोर शराबा भी करती ना तो क्या बिगाड़ लेती उसका, सिवाय बदनामी के और रुसवाई के कुछ नहीं मिलना था हम लोगों को। बात सुनो, इस घर में बहुत शोर शराबा हो गया, बहुत तमाशा हो गया, अब मैं ये तमाशा नहीं होने दूंगी। अरे जरा सोचो, अपना घर मिल गया है, शुक्र अदा करो। और हाँ, कह दो अपनी बहन से शराफत के साथ इस घर में रहे। अरे खुद तो बदनाम हो ही गई है ना, हमें रुसवा न कराए इस नए मोहल्ले में, बता दो से। जान, बंदे को ना प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब इस चंद लाख रुपयों से अगर हमारा लाइफस्टाइल, यानी हम फर्श से अर्श पर आ गए हैं, तो इसमें क्या हर्ज है? बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। वैसे भी कैसा लग रहा हूँ? आए बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और बताओ क्या चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये सब कुछ। अबे नहीं चाहिए तो ना से, तुम्हारी जैसी नाशुक्री औरत की कोई जगह नहीं इस घर में। हद हो गई है, चाहिए। हेलो नंगी, पूरी खुशी क्या आंसू, नया घर अच्छा लगा, खुदा हाफिज़। क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, बता रही हूं तुम्हें, खबरदार जो मेरे और मेरे बेटों को इस तरह आंखें फाड़ के तूने देखा है, समझी?
चुटिया से पकड़ के ना बाहर फेंक दूंगी, समझ आई? चल दफा, क्या क्या के गया सुना नहीं? तुम क्या जाएगी बेगैरत, मैं ही चली जा बेगैरत खानदान। ये क्या कर रही हो नगीन? नगीन पागल हो गई हो? जो कुछ मेरे साथ उसके बाद पागल नहीं होना चाहिए। नगीन क्या गलती है आपकी? क्यों किया मैंने? क्यों किया? नगीन क्या हो गया सर? संभाले, इसको बिल्कुल ही क्रैक हो गई है तो। पागल हो गई हो? मुझे लगा तुझे तुम्हारी माँ क्या और वो सुल्तान क्या समझते हो? नहीं उसको जाके बता देना, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसको मैं, पुलिस में भेजूंगी, देखती हूँ कौन बनता है। चलो चलो अंदर, चलो अंदर। आये हाय, ये तो बिल्कुल ही बावली हो गई है, किसी पागलखाने में दाखिल कराओ इसे। हाँ बस दो चार दिन इंतजार कर ले माँ बस। अरे मैं तो कहती हूँ वो अनवर की माँ को बुला और इसका निकाह पढ़ा के इसको चलता कर यहाँ से, मार देगी हम दोनों को। बस कर रही है रोने तमाशे, कब तक किस तरह चीखती चिल्लाती रहोगी? हालात से मुकाबला करना सीखो नगीन। हालात का मुकाबला ही करने जा रही थी लेकिन आप लोगों ने मेरे कदम रोक लिए, मेरी जबान पे ताले लगा लिए। इसी में हम सबकी बेहतरी है नगीन, कुछ चीजें अल्लाह ताला पे भी छोड़ देते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। नहीं रह सकती मैं इस घर में, ये उसके हराम की कमाई का घर है, यहाँ की एक चीज एक गीत मुझे ये एहसास दिलाती है कि ये मेरे हाथों से खरीदा हुआ घर है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कोई नया तमाशा मत करना, चैन से जीने दो मुझे और मेरे बच्चों को, सुकून से रहने दो। आप भी अपने शोहर की तरह सिर्फ अपने बारे में सोच रही हैं, आपको जरा एहसास नहीं कि मुझ पर क्या गुजर रही है? एहसास है नगीन, मगर क्या, मगर मैं मजबूर बेबस हूं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आप मजबूर होंगी, मैं एक सेकंड इस घर में नहीं रहूंगी। अगर यहां से गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। आपकी ये जज्बाती बातें आप मुझे मजीद मजबूर नहीं कर सकती। आप भी मैं थूकती हूँ इस हराम की कमाई से खरीदे हुए घर पर और आपके उस लालची शोहर पर। अगर आपकी जगह मैं होती तो एक लम्हा ना लगाती शख्स को छोड़ने में। आप क्या कर लेंगी मुझे बताएं? आज अपनी साली की कीमत लगा दी, कल को बाजार में बेचेगा, आप क्या करेंगे? अभी अगर तुमने इस घर से बाहर एक कदम भी रख तो मैं खुद को और अपने बच्चों को छिड़क के लगा दूंगी। भाई शादी को महीना हो गया है, अब तुम लोगों को हनीमून प्लान कर लेना चाहिए। मेरा तो वैसे यूरोप जाने का फुल मूड हो रहा है। जी जरूर जाएंगे लेकिन थोड़े वक्त के बाद, अभी मसरूफियात बहुत ज्यादा है। यही तो वक्त है घूमने फिरने का, एक साथ वक्त गुजारने का। मॉम आप शायद भूल रही हैं कि मेरी शादी एक इंतहाई बोरिंग इंसान से हुई है जिसको सिर्फ अपने बिजनेस में इंटरेस्ट है और किसी चीज में। भाई किसी और चीज में इंटरेस्ट हो ना हो लेकिन बीवियों में इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। बीवी को खुश रखने के लिए मर्दों को बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जब तुम्हारे बाबा नए नए एमपीए बने थे ना तो सारी मसरूफियत छोड़ के मुझे यूरोप घुमाने लेके गए थे। भाई मैं तो कहता हूँ कि तुम और नरमीन एक दो महीने के लिए कहीं बाहर चले जाओ। एक दो माह के लिए अभी कैसे जा सकते हैं? ऑफिस में इतना काम है, इतनी मसरूफियात है, फिर वो कराची वाला नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। मैं अरे बेटा फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना भाई, कराची मैं चला जाऊंगा कुछ दिनों के लिए और मैं संभाल लूंगा, कोई मसला नहीं है। यही वक्त है एंजॉय करने का, उसके बाद तो फिर इंसान मसरूफियत में फंस ही जाता है। बल्कि यूं करते हैं कि मैं उसका नंबर दे मुझे, मैं भी फोन करता हूँ अपने ट्रैवल एजेंट को, वो इनके लिए बुकिंग भी करवा देगा, वहां सारा कुछ है, कोई मसला ही नहीं है। तुम तैयारी करो भाई। नहीं नहीं
सज्जाद सर से बात की थी लेकिन वो बिल्कुल राजी नहीं है तुम्हें जॉब देने के लिए। तुम एक काम करो ना, घर बैठ के तुम ट्यूशन दे दो। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती अमीना, मैं कोई ऐसी जॉब चाहती हूँ जिसके अंदर मुझे सैलरी के साथ रिहाइश भी मिले। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तुम परेशान नहीं हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी तुम्हारे लिए कोई रेफरेंस ढूंढने की। अच्छा बात सुनो, मैं आज हैदराबाद आई हूँ, हम मिलें कहीं? ओके चलो, ख्याल रखो, बाय, खुदा हाफिज़। अपनी शादी से तुम खुश नहीं हो क्या? जी बस ठीक है बीजान। तो फिर नरमीन के साथ तुम्हारे लहजे में इतनी ठंडक क्यों होती है? अभी एक माह हुआ है शादी को और तुम अभी से इतने बेजार हो गए? मैं ऐसे ही हूँ बीजान, किसी को खुश करने के लिए मैं खुद को तब्दील नहीं कर सकता। नरमीन ने मुझे मेरी बुरी आदतों के साथ कबूल किया था ना, तो अब करे टॉलरेट भी। वो तो ठीक कह रहे हो लेकिन शादी से पहले तुम्हारे लहजे में इतनी कड़वाहट नहीं थी। थैंक यू। नरबीन भी मुझसे यही शिकायत कर रही थी कि सख्त लहजे में बात करते हो, कहीं उसे घुमाने फिराने नहीं ले जाते, जरा भी वक्त नहीं देते। और फिर वो हनीमून के मामले में टाल मटोल करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तो मैं उसको खुश करने के लिए और क्या करूं बीजा? वो एक इमैच्योर और डिमांडिंग लड़की है, हम दोनों की कंपैटिबिलिटी कभी मिलती ही नहीं थी। मैंने तो आपके कहने पे आगे शादी कर ली आपको खुश करने के लिए। नरमीन से शादी करके तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, इसमें तुम्हारी अपनी भी भलाई थी। वरना नगीम के अगवा का भांडा फूटने के बाद जो जिल्लत और रुसवाई होती तुम्हारी, कहीं ना कहीं तो तुम्हें शादी करनी थी ना, वरना तुम और किसी का भला सोचो। चले अब कर ली ना मैंने शादी उससे, अब तो खुश हो जाना चाहिए आप लोगों को, कम से कम मुझे तो सांस आप लोग लेने दें। नरमीन को ये पसंद है ये कर लो, नरमीन को वो पसंद नहीं है वो ना करो, उसको वहां ले जाओ, उसको यहाँ घुमा लो, आई मीन सीरियसली, बस नरमीन खुश रहे, मेरी लाइफ कुछ नहीं है। अच्छा अब शादी कर ही ली है ना, तो निभाओ खुशी से। तुमने मुझसे वादा किया था कि नरमीन का दिल नहीं दुखाओगे, अब अपने वादे पे तो कायम रहो, मुझे मेरे बेटे के सामने शर्मिंदा तो ना कराओ। जो कुछ भी माजी में हुआ अब उसे भूल जाओ और नरमीन के साथ अपनी एक नई खुशहाल जिंदगी शुरू करो। नुज़ार, अरे मीना कुमारी। जी हेलो, यहाँ हो तुम? वो अनवर है ना अपना अन्नू, वो अपनी माँ को लेके आ रहा है नगीन के रिश्ते की बात पक्की करने के लिए। किससे पूछ के आपने ये बात की? ये बात की तुमने? मैं नगीन का सरपरस्त हूँ कि नहीं हूँ ना, तो फिर मुझे किसकी इजाजत की जरूरत है उसकी बात पक्की करने के लिए? नगीन की, ये उसका कानूनी और शरई हक है, आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि उसकी मर्जी के बगैर उसके रिश्ते की बात करें। 100/100 नंबर पूरे तुम्हारे नाशुक्री में। अरे नाशुक्री औरत, इतनी बदनामी के बाद कौन उसके सर पे इज्जत का हाथ रखेगा? इतनी जिल्लत के बाद तो कोई बाप अपनी बेटी को अपने घर में नहीं रखता। खैर तुम्हारे अब्बा ने तो किसी हालात में भी नहीं रखा। खैर छोड़ो, वो नगीन है कहाँ? अपनी सहेली के आ गई। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि उसे अकेले घर से मत जाने दिया करो, एतबार के लायक नहीं है वो, अब क्या इस मोहल्ले में भी ना कटवाएगी? खैर मूड ना खराब करो, ये चीजें पकड़ो, चाय का सामान है पकड़ो ना, चाय का पानी गर्म रखो गर्म करने के लिए, मैं चेंज कर लेता हूँ, लोग आते पकड़ो अच्छी तरह, वो आते होंगे लोग, मैं जरा चेंज कर लूँ, मुस्कुरा के तू दिखा दो, नहीं नहीं रहने दो। सुल्तान, मैंने तुम्हारी ब्लैक और व्हाइट दोनों जैकेट्स पैक कर दिए। ये 2 महीने के लिए हनीमून पे जाने की क्या तुक बनती है नरमीन, हम 1 हफ्ते के लिए भी तो जा सकते हैं ना? 1 हफ्ता तो हमें ट्रैवलिंग में ही लग जाएगा, हम यूरोप जा रहे हैं, कोई दुबई या मलेशिया तो नहीं? तुम्हें जरा भी एक्साइटमेंट नहीं है मेरे साथ हनीमून पे जाने की? तुम कोई मिडिल क्लास लड़की नहीं हो जिसे शादी के बाद पहली बार मौका मिल रहा है यूरोप जाने का, तुम्हें किस चीज की कमी है? अपने पेरेंट्स के साथ 10 मरतबा यूरोप होके आ चुकी हो। हाँ मगर पेरेंट्स के साथ जाने में और अपने हस्बैंड के साथ जाने में जमीन आसमान का फर्क है। हम लड़कियों की तरह मेरे भी ख्वाब है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे जाऊँ। जा तो रहो तुम्हारी खुशी के लिए। मेरी खुशी, मेरी खुशी, मेरी खुशी, तंग आ गई सुन सुनकर मैं।
शादी करके कोई एहसान नहीं किया है तुमने मुझ पे। एहसान मैंने तुम पे किया है इतने सारे स्कैंडल्स के बावजूद तुम्हें एक्सेप्ट करके, वरना लड़की से थप्पड़ खाने के बाद तुम्हारी इज्जत क्या रह गई थी? इज्जत मैंने तुम्हें दिलवाई है सुल्तान दुरानी, वरना तुम इस लायक कहाँ थे? Shut up, Narveen. नहीं, आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। मुझे पता है कि तुमने सिर्फ जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए शादी की है जो तुम्हें उस लड़की की वजह से फेस करनी पड़ी। मुझ पे किस चीज का एहसान जता रहे हो? तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तुम जैसी नाशुक्री औरत भी जिंदगी में नहीं देखी है मैंने। मुझे हासिल करने के लिए पी जान के पैरों में पड़ी थी ना तुम, पागल हो रही थी मेरे इश्क में तुम। नरमीन दुर्रानी मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम जैसी इमैच्योर और पागल लड़की के साथ शादी कर ली, वरना लड़कियों की कमी नहीं थी मुझे। ओ जस्ट शट अप, तुम इस लायक ही नहीं हो। जाओ की लड़की के पास जिसका थप्पड़ खा के पूरी दुनिया में मशहूर हुए हो। नरमीन मुझे थप्पड़ मारा? आज तो एक थप्पड़ मारा है, अगर तुमने आइंदा उस लड़की का नाम लिया तो जान से मार दूंगा। कितना संगीन मजाक किया है ना किस्मत ने मेरे साथ। मैंने सुल्तान पे एतबार किया। कितनी बेवकूफ हूँ मैं कि मैं ये समझ ही नहीं पाई वो मुझसे उस थप्पड़ का बदला ले रहा था। मैं उसकी झूठी मोहब्बत और झूठे वादों का यकीन करती रही। कितना रश्क था मुझे तुम्हारे नसीब पर, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना बड़ा तूफान तुम्हारा मुंतजर है। कितनी खुश थी तुम, कितने अरमानों से अपना शादी का जोड़ा बनवाया था। सुल्तान ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। देखना अल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ करेंगे और तुम्हारे हर एक आंसू का बदला लेंगे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला, मुझे बदनामियों के दलदल में ढकेलने वाला आज मजे से दंदनाता फिर रहा है। शादी भी कर लिया उसने और मैं अब भी वही हूं। उसने जो मेरे साथ किया मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, और जो ज्यादती मेरे साथ हुई मैं उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकती। अतः मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। किस्मत हमेशा बेबस और मजबूर लोगों के साथ ही ज्यादती क्यों करती है? मैंने जिंदगी में हर कदम बहुत बहुत सोच समझ कर उठाया, ये सोच कर कि मैं यतीम हूं, बेसहारा हूं, बेबस हूं। मैंने अपना हर फैसला बहुत बहुत सोच समझ के किया। समाने की नजर में कितनी मोहतबर थी मैं, और इसने क्या किया मेरे साथ? सुल्तान दुरानी ने मुझे एक लम्हे में बेवजन कर डाला। बस करो नगीन, इन सबसे बाहर निकल आओ। इन सब बातों से सिर्फ तुम्हें परेशानी होगी और कुछ नहीं। इन सब बातों की हमने भी तवक्को नहीं की थी। खैर मुझे ये बताओ कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? अरे भाई सच पूछो ना तो मैं तो इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं थी। अरे आप खुद सोचें, एक अगवाशुदा लड़की को भला कौन अपने घर की इज्जत बनाएगा? फिर मेरे अनवर ने समझाया कि अम्मा मजलूम बच्ची है, आप इज्जत से इसके सर पे हाथ रखेंगी ना तो जिंदगी भर आपकी मशकूर रहेगी। अरे ये तो आपका बड़कपन है कि आपने हमारी इतनी इज्जत अफजाई फरमाई, वरना हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नगीन के लिए इतना अच्छा रिश्ता आएगा। अरे भाई तो फिर नेक काम में देर कैसी? हाँ, बिस्मिल्लाह करो। अरे लो निको भी आ गई, सलाम करो भाई। क्या
क्या है ये सब? ये समोसे, गुलाब जामुन और ये बिस्कुट और निम्को। अरे तुम तो इन लोगों को जानती हो, है ना? बहन ने बताया होगा तुम्हें। ये अपने अनवर के लिए तुम्हारी बात पक्की करने आई हैं। पक्की क्या करने आई हैं, पक्की तो हो गई, बस अब आने वाले जुम्मे को इंशाल्लाह तुम्हें सादगी के साथ रुखसत करके ले जाएं। ये इस खुशी में मीठा कर, शुगर फ्री है। मशरी की बच्ची शर्मा गई, बाहर से आई है ना, जो तू तो मीठा कर ले भाई, अच्छी तरह खा। मैंने कहा बाकी को तफसीलात भी तय कर लो ना, टाइम में क्या करना था। अच्छा तो अब जुम्मे का टाइम क्या होगा? नमाज के बाद मेरा ख्याल। नकीन, आपने मुझसे बगैर पूछे उस जाहिल इंसान के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। आहिस्ता बोलो नकीन, वो लोग अभी अंदर ही हैं। अंदर है तो क्या करूं? आपको क्या लगता है मैं राशिद भाई की बात मानकर इसके साथ रिश्ता कर लूंगी? कभी नहीं। नकीन, पहले बात कुछ और थी, अब कुछ और है। हाँ भी, अगर अनवर इस दुनिया का आखिरी शख्स भी हुआ तब भी उससे मैं शादी नहीं करूंगी। कोई भी मर्द 100% दुरुस्त नहीं होता, तुम शादी के बाद उससे सुधार सकती हो। ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो खुद इस रिश्ते के खिलाफ थी ना? तब हालात और थे, अब और। आप क्या चाहते हैं कि मैं एक जहन्नम से निकल के दूसरे जहन्नम में चली जाऊं? अभी तो इतने बड़े तूफान से निकली हूं, वहां पे थोड़ा सा तो रहम करें मुझ पर। वो तूफान भी तो तुम्हारा लाया हुआ था। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुमने ये नौकरी की, बस मैं जाते ही उस अमीर ज़ादे से दोस्ती की। अगर तुमने ये सब कुछ ना किया होता तो आज हालात और होते ना। अब सारी जिंदगी अपनी बर्बादी का मातम मनाती रहो। ये आपकी जुबान नहीं, ये सुल्तान दुरानी के पैसे की जुबान, इन लोगों की जुबान है। मुझे मालूम नहीं था कि हालात हमें इस मोड़ पे ले आएंगे। बहुत मजबूर हूँ नकीन, मुझे राशिद ने धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो मुझे और बच्चों को घर से निकाल देंगे। अब उनकी बीवी है और वो उन्हीं के बच्चे हैं, तो अपने बच्चों को और अपनी बीवी को क्यों घर से निकालेंगे? मुझे माफ कर दो नकीन, मैंने तुम्हारा बहुत साथ दे दिया है लेकिन मैं मजबूर। चाय बहुत अच्छी है। नहीं अब्बा, दिल पे थोड़ा सा तो बोझ है लेकिन तेरे बेटे की दो दो लॉटरियां निकली, पहले सर सुल्तान से 50 लाख रुपए का चेक मिला और अब अन्नू से नगीन की शादी के बदले उसने दोनों से मेरी जेब भर दी। अब इतने 5 लाख रुपए, इतनी अच्छी खूबसूरत लड़की हम उसके हवाले कर रहे हैं कामर की, सिर्फ 5 लाख, 10-12 लाख तो रहने थे। सुल्तान से 50 लाख रुपए का चेक मिला और अब अन्नू से नवीन की शादी के बदले उसने दोनों से मेरी जेब भर दी। अम्मा नहीं रह सकती मैं इस घर में, ये उसके हराम की कमाई का घर है, यहाँ की ये चीज है कि मुझे मुझे ये एहसास दिलाती है कि मेरे हाथों से खरीदा हुआ घर है। मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं यहाँ नहीं रहूंगी।
लेकिन अभी मैं भाग कर जाऊंगी कहां? तुम कुछ दिन पुप्पो के पास लाहौर चली जाओ, मैंने पुप्पो से बात कर ली है, वहां जाते ही किसी नौकरी का बंदोबस्त करना और साथ ही अपनी रहाइश का भी। राशिद भाई वहां गए तो? राशिद पुप्पो के बारे में नहीं जानते, अब्बा के भी कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं आजकल, इसीलिए मैंने कहा सिर्फ चंद दिन रहना। ये पुप्पो का एड्रेस है और ये कुछ पैसे हैं, लेकिन उनके हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, गुजारा कर लूंगी ना। मैं रह लूंगी, अभी अम्मा और राशिद घर पे नहीं है, अच्छा मौका है, बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ, आने से पहले चली जाना। अपना बहुत ख्याल रखना, बाकी अब आ लो। वहे नसीब, काश आज खुदा से कुछ और मांग लिया होता ना। क्यों आए हो यहाँ? अरे मंगेतर हूँ तुम्हारा, क्यों नहीं आ सकता? इस वक्त घर पे कोई नहीं है, जाओ। अरे यार क्या करो, बाहर निकलो। अरे दरवाजे पर ही खड़े होकर बात करोगी क्या? अंदर चल के बात करो। घर में कोई नहीं है, बाहर निकलो यहाँ से। जिसे सब आ जाएंगे उसकी बात आना, अभी निकलो यहाँ से बाहर इसी वक्त। अरे जो मजा तन्हाई में बात करने का है ना, सबके सामने थोड़ी है। तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलो अभी। नहीं नहीं देखो ये नहीं करना। अब इतना गुस्सा करोगी तो मैं तुम्हारे सामने ऐसे यूं ही खड़ा रहूंगा। पता है गुस्से में तुम्हारी खूबसूरती जो है ना और भी हसीन हो गई है। शायर होता तो एक किताब लिख चुका होता। सच्ची कह रहा हूँ, वैसे कितना बदनसीब था वो आदमी जो शादी की रात को इतनी हसीन दुल्हन छोड़कर ऐसे ही चला गया। मैं होता ना तो निगाह के तीन बोल फौरन पढ़वाता और उसी वक्त तुम्हें अपने साथ लेकर घर जाता। पता है तुम बनी ही मेरे लिए हो। अपना मुंह बंद करो, इसी वक्त यहाँ से निकलो वरना मैं शोर मचा दूंगी। बात सुनो, ये ज्यादा चीखने चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पूरी दुनिया जानती है कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो और राशिद को बताकर मैं तुमसे मिल रहा हूँ, ठीक? बल्कि काम करते हैं, इसी हफ्ते तुम्हारे साथ ना निकाह होता है और रुखसती करके अपने साथ ही ले जाता हूँ। और शादी के बाद तुमने इस कसम की जबान दराजी करने की कोशिश की ना मेरे साथ, अच्छा नहीं होगा, समझी? छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ा। आज छोड़ो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। आज छोड़ो। मना करिए, पास बताना मेरे, मैं कत्ल कर दूंगी तुम्हारा। कत्ल तो तुम पहले ही कर चुकी हो।
नागिन, लाहौर जाने वाली ट्रेन की टिकट चाहिए 3 बजे। 3 बजे वाली ट्रेन लेट है, 5 बजे जाएगी। 5 बजे? जी। अच्छा ठीक है, एक टिकट। आईडी कार्ड दे दीजिएगा। समझ में नहीं आता, ट्रेन लेट होती जा रही है यार, क्या हो गया।